हेलो फ्रेंड्स, शेफाली की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। तो फ्रेंड्स, गाजर का हलवा तो सबको बहुत ही पसंद है। सर्दियों के सीजन में शायद ही कोई घर हो जिस घर में गाजर का हलवा ना बने। तो फ्रेंड्स, खाना तो बहुत अच्छा लगता है। फरमाइशें सब लोग कह देते हैं, गाजर का हलवा बना दो, गाजर का हलवा बना दो। बच्ची हो या जेंट्स हो, घर में जो भी हो, सबको पसंद तो बहुत है, लेकिन जिसको बनाना पड़ता है उसको पता होगा फ्रेंड्स कि इसको कद्दूकस करने में कितनी प्रॉब्लम होती है। फ्रेंड्स, इसे कद्दूकस करने में हमारे हाथों में लग भी जाता है, कभी कभी नल्स कट जाते हैं, उंगलियां कट जाती हैं, और टाइम भी बहुत लगता है। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ इसको फूड प्रोसेसर में कैसे चुटकियों बजाते हुए आपका काम हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये फूड प्रोसेसर जो मेरा है, इससे मैं गाजर कद्दूकस कर आपको दिखाऊंगी। और ये फ्रेंड्स 3 kg गाजर है, और आप देखिएगा कि मिनटों में कैसे इससे मैं अपना काम, घंटों वाला काम मिनटों में करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं हर किसी को ये नहीं कहूँगी कि आपके घर में फूड प्रोसेसर होना ही चाहिए। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो मिक्सीज खरीदना चाह रहे हैं या फिर फूड प्रोसेसर खरीदने के लिए सोच रहे हैं। तो मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं आप जब इसको ले आए तो अपने घर में। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और जो लोग मिक्सर ग्राइंडर खरीदने की सोच रहे हैं, तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप एक बार इस वीडियो को देखिएगा और अपने डिसीजन चेंज करने पे आपको मजबूर हो जाएंगे कि मिक्सर ग्राइंडर खरीदने से अच्छा आप ये फूड प्रोसेसर खरीदें। कुछ ही रुपयों का फर्क आता है फ्रेंड्स, लेकिन ये इतने काम की चीज़ है। मैं पिछले 8 साल से इसको यूज़ कर रही हूँ। ये बजाज का फूड प्रोसेसर है मेरा, ये देखिए बजाज का फूड प्रोसेसर है, और पिछले 8 सालों से मैं इसको पर डे यूज करती हूँ। फ्रेंड्स, सारा दिन होता हो जिस दिन मैं इसका यूज ना करूँ। मैं इसमें अपना आटा रोज मलती हूँ सुबह शाम, जितना भी जूस वूस बनाना होता है वो भी सारा हो जाता है। अनार का जूस भी इसमें बहुत अच्छा बन जाता है, और किसी भी तरह का जूस हो, मसाले पीसने हो, 600 वाट की मोटर आती है इसकी, बहुत ही अच्छा चलता है फ्रेंड्स। इसमें 1 रुपये भी आज तक मैंने खर्च नहीं किया है, और बहुत ही अच्छा काम करता है ये। तो अगर आप फूड प्रोसेसर लेने की सोच रहे हैं तो ये बेस्ट है, और अगर आप मिक्सी लेने की सोच रहे हैं तो फ्रेंड्स आप एक बार ज़रूर सोचिएगा कि मिक्सी अच्छी है या ये अच्छा है। इसलिए ये वीडियो देखिए और बताइएगा कि ये आपके लिए यूज़फुल है। फ्रेंड्स, ये एक अटैचमेंट होता है, इसको तो लगाना ही होता है। इसी के सारे हमारा जो अंदर ब्लेड, कोई भी ब्लेड हम यूज़ करते हैं इसमें कई तरह के अटैचमेंट आते हैं, तो वो लगते हैं इसमें। और आज मैं कद्दूकस करने जा रही हूँ, तो उसके लिए इस तरह की एक प्लेट आती है, बस इसको हमें इस पर रख देना होता है, और ये हमने इसको लॉक कर दिया बस। इसको दबाने के लिए एक अटैचमेंट आता है, वो मेरा कहीं रखा हुआ है, इसलिए मैं अपने हाथ से ही इसको प्रेस कर रही हूँ और दूसरी गाजर से प्रेस कर रही हूँ ना, इसमें अटैचमेंट आता है। और ये कुछ एक देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स कितने सेकेंड लगे होंगे फ्रेंड्स, और इतनी सारी गाजर जो है हमारा पूरा जार भर गया है। और ये गाजर देखिए कद्दूकस हो गई है सारी। इसी तरह से मुश्किल से 5-4 मिनट ही लगेंगे इस गाजर को कद्दूकस होने में फ्रेंड्स। तो मैं कद्दूकस करके आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से होती है। मैं इसको खाली कर लेती हूँ, और
ये देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए ये दो थाली भरकर मैंने गाजर कद्दूकस कर लिए। आप देखिए इसको कितनी अच्छी सी ये, हाथों से फ्रेंड्स बहुत दिक्कत होती है, बहुत टाइम लगता है। तो अगर फ्रेंड्स आप फूड प्रोसेसर की लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल देर मत कीजिए, फटाफट लीजिए। मेरे हिसाब से ये डील बहुत अच्छी है फ्रेंड्स। अगर और अगर आप मिक्सर ग्राइंडर लेने की सोच रहे हैं तो एक बार अपने डिसीजन पे एक बार फिर से गौर फरमाइएगा कि कुछ रुपए डालकर अगर आपके लिए इतनी अच्छी चीज़ आपको मिल रही है तो फ्रेंड्स ज़रूर लीजिए। और ये बहुत ही यूज़फुल है, ये सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ फ्रेंड्स। पिछले 8 सालों से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, ये बेस्ट है। इसमें किसी दिन मैं आपको इसके सारे और भी फंक्शन दिखाऊंगी कि मैं इसमें क्या क्या काम करती हूँ।